नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। और आज हमारा टॉपिक है टैक्स का, कि टैक्स होता क्या है और टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने एमएस वर्ड में आपके लिए एक टैक्स का एक शॉर्ट नोट तैयार कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं टैक्स होता क्या है। देखिए, टैक्स क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी है पीपल्स के लिए, जिसे उसे पे करना है अपने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को क्यों चाहिए टैक्स, उसका रीजन भी है कि जितने भी आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, स्कूल्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, जो भी आपका डेवलपमेंट का वर्किंग्स हो गया, उसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेशन होगा। गवर्नमेंट के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है अगर कंट्री को चलाने के लिए, वो क्या है, टैक्स है। और टैक्स किसी पर्सन के लिए एक तरीके का बोझ है, एक तरीके की लाइबिलिटी है, जिसे उसे पे ही करना है। जिससे कि क्या होगा, वेलफेयर करेगी गवर्नमेंट, उसकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट जो है उस कंट्रीज की वेलफेयर करेगी, वहाँ के पीपल्स का, वहाँ की कम्युनिटीज का, वहाँ की कम्युनिटीज का। तो देखिए, तो टैक्स हमारे लिए लाइबिलिटी है, एक तरह से बर्डन है, किस चीज़ का, अमाउंट का, जिसे हमें पे करना गवर्नमेंट को नेसेसरी है, और गवर्नमेंट के लिए वो रिवेन्यू का पार्ट है। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडिया, इंडिया में टू टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जिसे हम इनकम टैक्स भी कहते हैं, और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका जिस टैक्स के बर्डन को हम शिफ्ट डाउन नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा टैक्स, ऐसा अमाउंट, ऐसी लाइबिलिटी अमाउंट की, जिसे का हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी कि किसी की इनकम पे अगर टैक्स लग रहा है तो उस पर्सन को ही पे करना है। अगर हाउस टैक्स, अगर किसी का हाउस टैक्स आ रहा है तो जिसका हाउस है उसी को ही टैक्स पे करना है। वो बात अलग है, कोई और पर्सन पे कर रहा है, लेकिन नाम तो उसी के पर्सन पे आएगा ना। तो ये सारी चीज़ें। अब बात आता है कैपिटल गेन, यानी अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो उस कंपनी को ही उसका अपना, अपनी इनकम का जो टैक्स आएगा उसको पे डाउन करना है, कोई और अदर पार्टी पे नहीं करेगी। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जिसका बर्डन हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट, जैसे कि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट किया, मैंने कुछ गुड एंड सक्सेस बाय करे गवर्नमेंट को, तो मैं 12% टैक्स डाउन पेमेंट किया। अब उस टैक्स को रिकवर कैसे करूंगा और उस कॉस्ट को कैसे रिकवर करूंगा जो मैंने बाय किया, मैं सेल करके। अगर मैंने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, उसके ऊपर 12 रुपए टैक्स हुआ, यानी टोटल मिला के 112 रुपए का सामान खरीदा, अगर वो 112 रुपए मुझे रिकवर करने हैं तो मैं अपने पास आए हुए कस्टमर को वो सामान सेल कर दूंगा हायर प्राइस में। जैसे मान लीजिए 140 रुपए का सेल किया, तो 112 रुपए तो मेरे को रिसीव हो जाएंगे ना। 100 रुपए कॉस्ट, 12 रुपए मेरे को टैक्स के, 112 रुपए, और बाकी जो मेरा बचा वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया में जो एक बहुत बड़ा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो है, अब आज की डेट में जीएसटी है। ऐसा नहीं कि जीएसटी के अलावा कोई और टैक्स नहीं है, वैट है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस तरह कई सारे टैक्सेस सिस्टम है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा डेट में है, बहुत ज़्यादा हाई पीक में है, और इनडायरेक्ट टैक्स समझना उससे ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी टैक्सेस हैं वो किसके ऊपर लगेंगे। देखिए, 7 कैटेगरीज में आपको बताना चाहूँगा, 7 कैटेगरीज में आपको जितने भी इंडियाज के पीपल्स हैं या कोई भी पीपल्स है उसको डिवीज़न किया गया। यानी कि जो है जिनके ऊपर टैक्स लगना है उन लोगों को 7 हिस्सों में डिवीज़न किया गया है। चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली हो, जिसे HUF कहते हैं, BOI जिसे BOI कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, कंपनी और कोई फर्म, जुडिशियर सिस्टम्स, कोई यूनिवर्सिटीज़ होगी, कोई म्यूनसिपालिटीज, कोई कॉरपोरेशन, ये 7 कैटेगरीज में डिवीज़न किया गया है जिन पर्सन्स के ऊपर लाइबिलिटी है टैक्स को पेमेंट करने की। तो आप डिपेंड कर सकता है कि आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, कोई कंपनी हो, कोई फर्म हो, तो उन सभी को टैक्स पे करना है। तो इस कैटेगरी में हमने डिवीज़न किया है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली, कि जिन पर्सन को टैक्स पेमेंट करना है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे।